गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम महिमा, योर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली टेल मी हाउ आर यू ऑल। आई होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज एक हम नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है रॉकिंग बनी। हमें एक बनी बनाना है। सो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, इसको करने से पहले हमें इसकी हेडिंग को रीड करना ज़रूरी है, तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। क्या दिया गया है? फोल्ड द कटआउट एंड पेस्ट देम एज शोन टू मेक अ बनी। हमें कटआउट्स को फोल्ड करना है और पेस्ट करना है जैसा आपको दिखाया गया है एक बनी बनाने के लिए। ड्रॉ द एलिमेंट रिक्वायर्ड एंड कंप्लीट योर रॉकिंग बनी। जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि इसके ईयर्स हैं, ये इनके स्माइली है, आईज है, ये जो एलिमेंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं आपको, ये एलिमेंट्स को ड्रॉ करना है और हमारा अपने रॉकिंग बनी को कंप्लीट करना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किन किन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। बनी कटआउट पेटे हमें कहाँ से मिलेंगे, ये देखिए आपकी बुक के पीछे आपको बनी का कटआउट दिया गया है। जैसे कि ये देखिए रॉकिंग बनी का कटआउट, तो इसका मतलब यहाँ से हमें वो सारे कटआउट मिल जाएंगे। टू गुगली आईज, आपको मटेरियल्स गिवन थे उसमें आपको आईज भी गिवन है, तो आप वहाँ से वो आईज ले सकते हैं। देन स्केच पेन, ये रहा हमारा स्केच पेन। एंड ग्लू, ये रही हमारी ग्लू, तो इसका मतलब चलिए हमारे पास सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पीछे हमारे रिक्वायर्ड हमारा मटेरियल दिया गया है उसको हम वहाँ से निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से इसको आराम से निकालिएगा, ये फटना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। बहुत इजी है बेटा और इतना क्रिएटिव वाला है कि आपको ये करते हुए भी मज़ा आएगा और इस तरह से आप काफ़ी सारे आप बनीज या कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड, कुछ भी बना सकते हैं। जो आपका कार्टून कैरेक्टर है आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे आप वो कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको सबको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारे कटआउट्स को निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, जो ये कटआउट है, ये बड़े वाला कटआउट है, इसको हमें हाफ फोल्ड करना है इस तरह से और इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए हमने इसको प्रेस कर दिया है, ओके। इसके बाद ये जो इसके इसका मुंह हमें बनाना है, इसका फेस बनाना है, ये उसका कटआउट है, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। चलिए पेस्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास कुछ कटआउट्स हैं, ये देखिए कुछ कटआउट्स हैं हमारे पास, इन कटआउट्स को हम पेस्ट कर देंगे। ये इसके ईयर्स हैं, चलिए हम इसको पेस्ट कर देते हैं। वन बाय वन पेस्ट करना है। ये देखिए सब बच्चों की बुक्स के पीछे ये सभी कटआउट्स दिए गए हैं, तो आपको भी वहीं से ही सारे कटआउट्स का यूज़ करना है। और ये हमने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है। देन हमारे पास इसके लेग्स हैं, ये देखिए कुछ ये कटआउट्स भी हैं, इन कटआउट्स को भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसको इस तरह से पेस्ट करना है यहाँ इस साइड, ताकि इनके पंजे बन सके। आपको पता ही है बनी के चार पंजे होते हैं,
तो चलिए हम इसको पहले पेस्ट कर देते हैं, इसके बाद ही हम इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। और ये हमने ग्लू लगा दिया है और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ओके। और ये जो बाकी दो बच गए हैं इसको भी चलिए हम पेस्ट कर देते हैं। आई होप स्टूडेंट आप इंजॉय कर रहे होंगे इस क्राफ्ट को, बहुत इंटरेस्टिंग क्राफ्ट है और बहुत सुंदर भी दिखाई देगा ये कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए हमारा सब सारे कटआउट्स, जितने भी कटआउट्स हमारे पास थे हमने उन सभी को पेस्ट कर लिया है। कितना सुंदर लग रहा है, बस हमें डिटेलिंग करनी बाकी है, तो चलिए हम डिटेलिंग करते हैं। सबसे पहले ये देखिए इस तरह से यहाँ पंजे बनाने पड़ेंगे हमें, और ये देखिए इस तरह से पंजे बना रहे हैं हम। आप यहाँ ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ सीडी मार्कर का यूज़ कर रही हूँ, आप ब्लैक स्केच का भी कर सकते हैं, ओके। जैसा आपको मन करे आप वही यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है एंड देन तीन पंजों के मार्क, इसी तरह से हमें यहाँ भी बनाना है, ओके। तो आप यहाँ भी बनाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी लगी बेटा मुझे ये, आई होप आप सबको भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो चलिए हम इस साइड भी बना लेते हैं, इस तरह से हाफ डिवाइड करना है एंड देन इसके चारों तरफ से घुमा देना है और उसके बाद इसको इसमें कलर फिल कर देना है। सेम डायरेक्शन में करेंगे तो वो कलर ज़्यादा बेटर लगता है। और ये कर लिया है हमने, सेम इसी तरह से तीन पंजे हम इस साइड भी बनाएंगे। ये देखिए ठीक है, अब हमें यहाँ करना है तो तीन पंजे पहले बना देते हैं हम इस तरह से, और ये हाफ डिवाइड करके हम इसमें कर लेते हैं। ये देखिए इसको कंप्लीट फिल कर देना है। और ये हमारा कंप्लीट फिल हो गया है। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एंड देन इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं चारों तरफ आउटलाइन के साथ एंड कंप्लीट इसको हमें फिल करना है। ये हमने फिल कर दिया है, ओके। ये देखिए ये फिल हो गया है। अब इसकी ईयर्स का करना है, सेम ऐसे ही आउटलाइन की तरह हमें चारों तरफ से इस तरह से लेना है एंड सेम इधर भी करेंगे हम। ये देखिए और इसको अब हमें फिल कर देना है। ये देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। इसके बाद जो हमारा मेन फैक्टर अभी रह जाता है वो है इसका फेस बनाना, तो चलिए हम इसका फेस बनाते हैं। ये देखिए ये रही हमारे पास आईज, तो चलिए ये आईज इसमें से हम निकाल लेते हैं। और ये हमने यहाँ से दो आईज निकाल ली है। हमारी आईज और इसको हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। चलिए हम करते हैं, आप लोगों के पास भी ये मटेरियल गिवन है तो आप लोग भी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये हमने यहाँ पेस्ट कर दी है। अब हमें इसकी नोज़ बनानी है। सबसे पहले आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बाद ही इस पर स्केच कीजिएगा। और ये हमने इसकी नोज बना दी है। इसके बाद इसकी स्माइली बनाएंगे हम। आप पेंसिल से कीजिएगा स्टूडेंट्स पहले, इसके बाद ही इस पर स्केच कीजिएगा। ओके, इसके बाद आप रेड कलर का पेंसिल कलर या क्रियोन कुछ भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप ब्लशेस बना सकते हैं। और ये देखिए हमारा बनी कितना सुंदर लग रहा है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग भी ये बनी बनाइएगा। ओके, तो आप लोगों का वर्क यही है स्टूडेंट्स कि चैप्टर 9 रॉकिंग बनी आपको कंप्लीट करना है, और ये इतना प्यारा सा बनी बनाना है ना स्टूडेंट्स। ये देखिए कितना सुंदर बनी लग रहा है हमारा। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।